ये सब हमारे यहाँ ही चेकिंग होती है हर दीवार पे, कन्नौज में और कहीं नहीं जाते, तमाम दुकानें हैं, हमको कभी मिलावट करते नहीं, हमारे यहाँ टारगेट बनाया जाता हर बार, ये सोची समझी साजिश होती है उन लोगों की। कई जगह से ये शिकायतें आई हैं कि खाद्य विभाग वसूली भी करता है इस पे। नहीं, हमने कभी नहीं दिया है, हम देते नहीं, इसीलिए हमारे नहीं, और दुकानों पे कहीं शिकायतें मिलती नहीं, नहीं नहीं हमको नहीं। मतलब आप देते हैं कभी छापेमारी किया थी आपने? जी जी, हम तो नहीं देते, इसलिए मिलावट नहीं करते, कोई अपना खोया बनाते हैं, अपना ही प्रिपरेशन करते जा रहे हैं। नहीं तो आपने भी आप नहीं देते हैं क्या, डिमांड की गई कभी? नहीं नहीं, आप इससे पहले मुकदमा भी दिखाया गया था? नहीं, वो निपट गया हमारा, वापस हो गया। एक बस नियम का वर्क होता है जो कि हमारे नुकसान करता है, इसीलिए उसको अवॉइड करें। जैसा कि बताया जाता है ये किडनी और उसमें काफ़ी डैमेज करता है आगे चल कर के, तो इसलिए ये नुकसानदेह है, इससे बर्गदार मिठाइयाँ नहीं। शासन की मंशा के अनुसार हमारा खाद्य सुरक्षा एवं औषध प्रशासन विभाग जनपद में मिलावट को लेकर के काफ़ी यहाँ पर टीम बना दी गई है और पूरे जनपद में कार्रवाई हो रही है। कहीं पर अगर मिलावट की कोई खबर आती है तो हम लोग वहाँ पर नमूना एकत्र करते हैं, नमूना जांच के लिए भेजते हैं, उसके बाद फिर विधिक कार्रवाई की जाती है। अभी तक जनपद में 12 सैंपल लिए गए हैं विभिन्न जगहों से, वो जो जाँच के लिए भेज दिए गए हैं और रिपोर्ट आने पर उनके खिलाफ़ कार्रवाई की गई। अगर ऐसा कोई संज्ञान में आता है तो हम उसके एरिया इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।